नेहरू जी के जमाने के खुद के लेटर्स, उनके जमाने के नेताओं के पत्र वो पढ़ते नहीं है और आकर यहां व्हाट्सएप कहने लगते हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं, कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेता और नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे वीएन गाडगिल जी ने अपनी किताब फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह तो भारत में विलय करना चाहते थे परंतु नेहरू का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब सुनिए, मौलाना आजाद जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी किताब इंडिया मींस फ्रीडम में लिखा कि जब शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन चला रखा था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ 46 में और शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया था महाराजा हरि सिंह ने, तो नेहरू जी बतौर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सितंबर 46 से प्रधानमंत्री बन गए थे भाई जी, आपको याद होना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट में उन्होंने जाकर दबाव बनाया और महाराजा हरि सिंह ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। यह बात कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगी, मौलाना आजाद की किताब इंडिया मींस फ्रीडम जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा, इससे उसके बावजूद विलय की शर्तों पे सन 47 में वो इस बात पे अड़े हुए थे, ये लिखा है मौलाना आजाद ने कि नेहरू जी अड़े हुए थे कि विलय की शर्त ये होगी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी जाए। अब आप बता दीजिए, आप उस समय के अपने कांग्रेस के अध्यक्ष की बात को ठुकराना चाहते हैं। और एक तथ्य, अगर रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था तो सिर्फ कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था? कितने दिन उत्तर दे दीजिए, ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। अब मतलब कोई ये कहे कि गृह मंत्री के पास सारे सुरक्षा बल रहेंगे, एक जो है वो पहला मिलिट्री फोर्स मेरे पास रहेगा, तो यहां से तो संदेह उत्पन्न। छोटा सा जवाब, क्या आपने कभी पढ़ा है कि हल्दी घाटी के बाद